हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोमन रेंस इस वायरस वाले सिचुएशन में अपने एंड अपने फैमिली पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो WWE से अभी बाहर चल रहे हैं। बट क्या हमें उनका रिटर्न सीधा नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाला है, उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कौन विनर रहने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस ने किस टैग टीम को टारगेट कर लिया जो कि WWE से जा चुका है। तो गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले इसी टैग टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, OC के मेंबर लुक गैलव्स एंड कार्ल एंडरसन WWE को छोड़कर जा चुके हैं। कई सारे और सुपरस्टार के साथ जिन्हें WWE ने फायर किया था, जिनमें इनका भी नाम था। और आप सबको पता ही है, ये WWE में रह चुके हैं, बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड या कहा जाए। इन्होंने सऊदी अरबिया के इवेंट में बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड का ट्रॉफी भी जीता है। तो इसी से रिलेटेड कार्ल एंडरसन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए कहा, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो इस पिक को डाली, जहां पर हम देख सकते हैं कार्ल एंडरसन एंड लुक गैलोस के साथ यंग बक्स भी है और ये NJPW के टाइम के पिक है। और उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो ये है कि हु इज द बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि यंग बक्स एंड हम दोनों में से कौन अच्छा टीम है। बट इस ट्वीट का रिप्लाई किया और किसी ने नहीं बल्कि द बिग डॉग रोमन रेंस ने, जहां पर उन्होंने लिखा और किसी का नाम नहीं बल्कि अपने कजन दी उसोस का नाम। यानी कि रोमन रेंस के अकॉर्डिंग दी उसोस है बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग थी, इसलिए सोचा मैंने आप सबके साथ शेयर की जाए। लेकिन आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड कौन है। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच से विनर्स है कि आखिरकार बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रे वायट का मैच कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बैटिंग ऑड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ब्रॉन स्ट्रोमन मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में द फिंड ब्रे वायट को नहीं बल्कि नॉर्मल वाले ब्रे वायट को फेस करने वाले। तो आप सबको पता तो इस मैच में बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ब्रे वाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों इक्वल है। या कहा जाए ब्रे वाइट भी -120 पर है एंड ब्रॉन स्ट्रोमन भी -120 पर, इसलिए कह सकते हैं बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग दोनों सुपरस्टार के जीतने के इक्वल चांसेस है। बट जैसा कि ये अर्ली बैटिंग ऑड्स है, हो सकता है फाइनल बैटिंग ऑड्स आते आते तक हमें कुछ चेंजेस होते हुए दिख जाए। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार फाइनल बैटिंग ऑड्स में कौन आगे रहता है, जो कि मनी इन द बैंक के पेपर व्यू से एक दो दिन पहले निकल कर आ ही जाती है और मैं आप सबको बता ही देता हूं। लेकिन बात की जाए WWE चैंपियनशिप मैच के बैटिंग ऑड्स के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच, तो इस मैच का विनर चुनना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों टॉप लेवल के बंदे एंड यहाँ पर हारेगा कौन वही सबके मन में डाउट है। तो आप सबको बता दूं बैटिंग ऑड्स इस मैच का निकल कर आ चुका है एंड बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर हराने वाले सेथ रॉलिंस को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप, जहां पर ड्रू मैकइंटायर -500 पर है एंड सेथ रॉलिंस +300 पर, और जो माइनस पर रहता है वही भाई आगे रहता है। लेकिन अभी भी बैटिंग ऑड्स देखकर आप इस मैच के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस इस मैच को हारे ये भी होना थोड़ा मुश्किल है एंड ड्रू मैकइंटायर भी हारे ये भी होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए लेट्स सी WWE इस मैच में किसे जिताती है या फिर इस मैच को खत्म करती है एक डिस्क्वालिफिकेशन या फिर काउंट आउट के जरिए। एंड एक और मैच का बैटिंग ऑड्स सामने निकल कर आ चुका है, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा बेली वर्सेस तमिना के बीच। तो आप सबको बता दूं इस मैच में बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग तमिना इस मैच को हारने वाली है एंड बेली रिटेन कर जाएगी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, जहां पर तमिना है इस मैच में +250 पर, वही बेली है इस मैच में -400 पर। इसलिए कह सकते हैं बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग तो यहां पर सेथ रॉलिंस, ब्रॉन स्ट्रोमन या ब्रे वाइट एंड तमिना की हार होने वाली है। इसलिए लेट्स सी कि फाइनल बैटिंग ऑड्स में कौन आगे रहता है, क्योंकि भाई फाइनल बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम रिजल्ट रहते हैं। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस है। तो जैसा कि आप सबको पता ही, रोमन रेंस अभी इस वायरस वाले सिचुएशन में WWE से बाहर चल रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते इस सिचुएशन में उनके एंड उनके फैमिली पर कोई भी रिस्क आए। वैसे भी रोमन रेंस को पहले 2 बार ल्यूकेमिया हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें खतरा काफी ज्यादा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में वीक है, जो कि ये सारे थिंग आप सबको पता ही होगी। एंड रोमन रेंस ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये सारे थिंग हम सबको बताई थी। और रोमन रेंस के घर में तो ट्विंस बेबी भी होने वाली, इसलिए वो ज्यादा रिस्क ले लेना चाहते इस वायरस वाले सिचुएशन में एंड वो अभी WWE से बाहर चल रहे। और डे मेल्जर ने हमें ये अपडेट दी भी थी कि रोमन रेंस अभी WWE से तब तक बाहर रहते हुए दिख सकते हैं जब तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं निकल जाती, भले ही सिचुएशन कितनी भी ज्यादा सुधर क्यों ना जाए, रोमन रेंस हमें फिर भी रिटर्न करते हुए नहीं दिखेंगे। एंड एक क्वेश्चन जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे तो करेंगे कब। अब मैंने आप सबको पहले ही बताया कि हमें पॉसिबली रोमन रेंस सेप्टेम्बर से पहले अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखने वाले अभी की सिचुएशन को देखकर, क्योंकि भाई US में अभी 9 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। बट इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। एंड अब रोमन रेंस के टॉपिक पर ही आते हैं, तो आप सब समझ ही गए कि रोमन रेंस इतनी जल्दी अपना रिटर्न नहीं करने वाले। हो सकता है कि वो हमें पूरे 2020 बाहर रहते हुए दिखे,
डब्ल्यू ई से, अब इससे आप सबको ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई रेसलमेनिया 37 भी अभी रिक्स पर है। एंड जैसी अपडेट्स निकल कर आए थे कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई जहां पर रेसलमेनिया 37 करवाने वाले थी यानी कि सोफा स्टेडियम, वहां पर नहीं करवा पाएगी क्योंकि वहां के स्टेडियम में लार्ज गैदरिंग वाले इवेंट एक साल से भी ज्यादा दिनों के लिए बंद हो चुके हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हो सकता है हमें रोमन रेंस पूरे 2020 बाहर रहते हुए दिख जाए, लेकिन बात की जाए रोमन रेंस का रिटर्न हमें कहां पर होते हुए दिख सकता है, तो गाइस ये बात तो तय है कि जब रोमन रेंस की रिटर्न होगी देन डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे डेफिनेटली बड़ा करना चाहेगी। अब ये भी हो सकता है जब सिचुएशन सही भी हो जाए देन रोमन रेंस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई रोक कर रखे ताकि वो सही स्पॉट पर रोमन रेंस का रिटर्न करवा पाए। एंड सही स्पॉट तो उनके लिए है ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में, या फिर हमें रोमन रेंस का रिटर्न वहां पर देखने को मिल सकता है जहां पर कई सारे सुपरस्टार का रिटर्न होता है यानी कि रॉयल रंबल मैच। और नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल तक तो शायद पूरी तरह से सारी थिंग नॉर्मल भी हो जाएगी, इसलिए कह सकते हैं कि WWE अगर रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस का रिटर्न करवाना चाहती है जनवरी में देन वो करवा सकती है। और क्या पता 2020 में जो रूमर आ रहे थे उनके उस मैच को जीतने में वो हो जाए 2021 में एंड वो जीत जाए रॉयल रंबल मैच। बट हाँ अभी रॉयल रंबल काफी ज्यादा दूर है, लेकिन सारे थिंग्स तो देखकर यही लग रहा है कि रोमन रेंस हमें 2020 में अपना रिटर्न नहीं करते हुए दिख सकते हैं। एंड वो अपना रिटर्न करते हैं तो पॉसिबली WWE उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के फ्यूड में डाल सकती है क्योंकि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से बाहर निकले थे रेसलमेनिया में, या फिर वो अपना रिटर्न रॉयल रंबल मैच में कर सकते हैं एंड वो उस मैच को जीत कर अर्न कर ले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा गाइस अगर आप सब गेमिंग में इंटरेस्टेड है देन आप हमारे सेकंड चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर आप सबको डेली वीडियोस देखने को मिला पड़ेगी मेरी कमेंट्री के साथ। एंड अभी मैं WWE 2K20 खेल रहा हूं, इसलिए अगर आप सबने अभी तक उस चैनल को चेकआउट नहीं किया देन ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप रोमन रेंस का रिटर्न किस तरह एंड कहां पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।